सभी सम्मान शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, नए सत्र 2022-23 की नामांकित बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, प्रेरणा पोर्टल पर अभी तब तक नहीं संभव है जब तक कि आप पूर्व के यानी 2021-22 सत्र के बच्चों का सत्यापन या वेरिफिकेशन या डिलीट नहीं कर देते हैं, तब तक वो प्रक्रिया आप नए एडमिशन उस पर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक DBT प्रेरणा ऐप प्ले स्टोर पर पहले भी था और अभी आप वापस उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। उसको डिलीट कर दीजिए और इसको रीइंस्टॉल कर लीजिए नया एप्लीकेशन को। इसके बाद नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन DBT ऐप पर शुरू हो गया है और किस प्रकार से मैंने किया है लाइव रजिस्ट्रेशन आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा और आप वन बाय वन कक्षावार रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है इस वीडियो पर। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो या लेटेस्ट अपडेट आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध होते रहे, तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप हमें निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, हम उनका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो देखते हैं साथियों, पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ। इसके पश्चात आप जब ये ओपन करेंगे तो सबसे पहला पेज आपका ये ओपन होगा, जिसमें से आपका सबसे ऊपर विद्यालय का नाम शो करेगा, उसका आपका UDAS कोड और आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड रहेगा वो शो करेगा। इसके पश्चात नीचे जो रहेगा न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, तो न्यू रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट जो रहेगी, जो अभी आपने लेटेस्ट बच्चों के अपडेट किए हैं, यानी जो कक्षा 6 या कक्षा 1 के बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया है या बीच में भी कोई नए बच्चे आपके यहाँ इनरोल्ड हुए हैं सत्र 2022-23 हेतु, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन में शो करेंगे जब आप फिट करेंगे। जैसे इस बच्चे का नाम यहाँ पर शो कर रहा है राजनंदिनी 249, जो कि हमने इसके पहले रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट किया हुआ है। अब हम बात करते हैं, बैक आएंगे, बैक आने के पश्चात न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ताकि हमें सारे बच्चों को अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन DBT ऐप पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं छात्र छात्रा का पंजीकरण, सभी फील्ड अंग्रेजी में भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य है, जो कि पहले हिंदी में भी चलता था लेकिन इस बार जो परिवर्तन किया गया है मात्र इंग्लिश में ही आपको फिलअप करना है। तो नोट आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ पर कक्षा और ये सेलेक्ट को क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है इसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही यहाँ के आपके क्लासेस शो करेंगे। ये 6, 7, 8 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में रजिस्टर्ड है विद्यालय, इस कारण से 6, 7, 8 दिखा रहा है। जिस विद्यालय का कंपोजिट सेलेक्ट करेंगे, कंपोजिट विद्यालय होगा, वो 1 से स्टार्ट होकर के 8 तक जाएगा और सभी कक्षाओं की यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन ओपन होंगे। तो इस प्रकार जो प्राथमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं हैं तो जो रजिस्ट्रेशन का जो ये खुलेगा क्लास, तो यहाँ पर 1-5 ओपन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया साथी। अब हम यहाँ पर 6 में सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 6 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। अब प्रवेशांक जो आपके SR पंजिका है, तो SR पंजिका के आधार पर, छात्र नामांकन पंजिका के आधार पर यहाँ पे आप प्रवेशांक बच्चे का डालेंगे 250, जैसा कि हमने अपने पंजिका के आधार पे किया। प्रवेश तिथि में राइट साइड पे ये जो कैलेंडर जैसा बना हुआ है इसको क्लिक कर लीजिए ताकि प्रवेश तिथि आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब सत्र 2022-23 के बच्चों में अप्रैल 1 तारीख को, जैसा कि हमारा इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हमने किया है, तो 1 अप्रैल का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पर हमने ओके में सेलेक्ट कर लिया। इसके पश्चात देखना है छात्र छात्रा का आधार बना है
तो वहाँ पर अन्यथा नहीं। तो जैसा कि नहीं बना है तो हमने नहीं क्लिक किया, तो ये डिटेल्स आपके ओपन होंगे। छात्र छात्रा का नाम, लिंग, बालक बालिका, जन्मतिथि, पता, पिता का नाम, माता का नाम, कारण यदि आधार नहीं बना है तो ये डिटेल आपको भरने होंगे। आधार नहीं बनने के कारण, आधार बनने की प्रक्रिया में आधार नहीं बना है, तो दोनों स्थितियों पे आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर विभाग का, और धर्म, राशन कार्ड का प्रकार, सामान और छात्र छात्रा दिव्यांग है, ये सार नौ में करेंगे। प्रोसिक्यूटिव वेब में जाएंगे तो नेक्स्ट आपका जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आपका उनके लिए है जो छात्र छात्रा के आधार नहीं है। यदि जिस छात्र छात्रा का आधार है तो उसको हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और इस प्रकार से कुछ आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन ऑप्शनों में देख पा रहे होंगे छात्र छात्रा का पंजीकरण आधार के अनुसार। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन, आपकी सार पंजिका से बहुत ही कम सूचनाएं अपडेट भरनी है। यहाँ पर आपको वरीयता देना है आधार, चाहे तो गार्जियन का हो चाहे तो बच्चे का हो, तो इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। छात्र छात्रा का नाम आधार के अनुसार हमने यहाँ पर देखा, आधार बच्चे का NEELAM, नीलम, छात्र छात्रा का आधार के अनुसार हमने उसकी स्पेलिंग फिलअप कर दिया। ये ध्यान दीजिएगा कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, ये सिर्फ आधार के हिसाब से आप फिलअप करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर बालिका को क्लिक करेंगे, क्योंकि ये बालिका का नाम है और बालक है तो बालक को क्लिक करेंगे। इस प्रकार से मित्रों जन्मतिथि आधार के अनुसार ये भी आपकी देख लेना है कि आधार में जो बच्ची की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट है ये क्या है, 04/11/2011, यानी 4 नवंबर 2011। ये बच्चे का पता आधार के अनुसार, जो बच्चे का आधार है वो केयर ऑफ में, डाटर ऑफ में इस प्रकार से सामने दिया होता है, यहाँ पर आप उसका एड्रेस देख लेंगे। तो यहाँ पर है मेवा रुपौली मुस्तकिल, जो भी पोस्ट वगैरह है वह फिलअप कर लेंगे। रुआ एक बार आधार पे वापस देख लेते हैं। टू फिफ्टी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो यहाँ पर साथियों रुपौली मुस्तकिल चित्रकूट बरुआ उत्तर प्रदेश, जैसा कि उसमें दिया हुआ है वैसे हम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो ये पोस्ट नहीं दिया हुआ तो इसको हमने पोस्ट को हटा देंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है रुपौली मुस्तकिल चित्रकूट बरुआ उत्तर प्रदेश 210-209। डिस्ट्रिक्ट भी नहीं लिखा है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप नहीं डालेंगे, आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा कि आधार में डिटेल मांगे वैसे ही करना है। UTTAR उत्तर प्रदेश PRADESH, ये आपने क्लिक कर लिया, और जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल लेंगे 210-09।
इसके पश्चात के आर ऑफ सन आपका छात्र छात्रा के साथ संबंध क्या है, तो के आर ऑफ छात्र छात्रा के संबंध है यहाँ पर डॉटर ऑफ, तो ये आप पिता यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जो उससे रिलेशंस है जिसके आधार पे वो बना हुआ है, तो फादर हमने सेलेक्ट किया। सी ऑफ एस सन ऑफ का नाम आधार के अनुसार, ये केयर ऑफ यस सनाफ का नाम आधार, आधार जो छात्र छात्रा के साथ संबंध आधार के माता पिता, तो यहाँ पर उसके सनाफ का नाम जो है आधार के अनुसार यहाँ पर डाल देंगे। आधार में जैसा कि एड्रेस से पहले रह गए उसका डालेंगे हम मेवा लाल, कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, इसका विशेष ध्यान देंगे मेवा लाल। आधार के अनुसार ठीक है, छात्र छात्रा का आधार नंबर, छात्र छात्रा का आधार नंबर यहाँ पर उसके आधार से मिलान कर लेंगे और यहाँ पर फीड कर देंगे 4998 6515 6515 4623 4995 6515। आगे यहाँ पर अभिभावक की सहमति आपने पहले ही आवेदन में ले रखा होगा जो अप्लीकेशन बच्चे का भरवाया होगा, जैसे मेरे द्वारा छात्र छात्रा के विभाग को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी के तहत छात्र छात्रा के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमत पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई। यहाँ पर पिता का नाम भर लेंगे, पिता का नाम भी आप ध्यान दीजिएगा, ये यदि पिता का आधार नंबर है, आधार कार्ड है, उसी के आधार पर आप भर लेंगे तो और ही बेहतर रहेगा। यहाँ पिता का नाम मेवालाल, VALAL, माता का नाम सुमित्रा देवी, SUMITRA सुमित्रा देवी। इसके पश्चात मोबाइल नंबर उनका नोट कर लीजिए, मोबाइल नंबर क्या है 7080 37। धर्म यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी धर्म है, APL BPL जो भी कार्ड धारक है उसको आप यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद SC ST OBC जो है वो आप कर लेंगे, छात्र छात्रा दिव्यांग है या नहीं है क्लिक कर लेंगे। इसके बाद मित्रों प्रोसीड टू सेव कर लेंगे, ये बाहर के वहाँ अचानक नेटवर्क छोड़ दिया होगा साथी, इस कारण से ये डेटा मांग रहा है। प्रतीक्षा करें, डाटा सिंक हो रहा है, अपडेट हो रहा है इस ऐप के अंदर। यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए, ये क्लिक किए और देख लेंगे रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में राजनंदी नीलम दोनों का सबमिट हो गया है। ठीक है, ये सिंक करना है, ये बाद की प्रक्रिया है, बाद में भी आप कर सकते हैं, है ना। आधार नॉट सबमिटेड, इनके आधार को सबमिट करके इनको वेरीफाई करना होगा तब जा कर के ये सिंक होगा। इसके पश्चात बैक आएंगे और फिर नो रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टूडेंट्स का बालक बाली का जो भी है यही डिटेल आपको पुनः भरना है। तो आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसी प्रकार की अपडेट्स यदि आपको चाहते हैं कि मिलती रहे, तो यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में यदि ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको कोई क्वेश्चन या कोई समस्या प्रॉब्लम आ रही है DBT से संबंधित तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव या क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं।
तो हम आपके सलूशन देने का प्रयास पूरा करेंगे। तो साथियों, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।